Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel, Aamir Khan, Students Guider channel. Viewers, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है फॉर ऑल माय लवली व्यूअर्स के लिए. इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो है वीडियो है तो आपने जो है वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको ऑल डिटेल्स जो हैं वो समझ आ जाएं. इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा. इसके अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, मींस अलॉट. एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं, सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए. सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी डिटेल के साथ. सबसे पहले तीसरे अशरे की दुआ बताऊँगी, इसके अलावा नजात के लिए दुआ बताऊँगी, इसके अलावा जो है पांच ताक रातें होती हैं जो 21 जो है वो स्टार्ट हो गई है और इंशाल्लाह सारे जो हैं वो अपनी जो है वो सारी चीज़ें जो हैं बताऊंगी उसके हिसाब से. और इसके अलावा जो है 23 25 27 एंड 29 ये पांच ताक रातों में क्या क्या आपने चीज़ें पढ़नी है, इबादत करनी है. वैसे तो मैंने जो है पिछले रमज़ान मुबारक में आपको डिटेल के साथ सलातुल तस्बीह और बाकी सारी चीज़ें जो हैं डिटेल के साथ नवाफिल और बाकी सारी चीज़ें बताई थी और वो जो है वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है. इस वीडियो के ऊपर जो है आपको वाइट कलर का बेल आइकन बटन नज़र आएगा, उसको क्लिक करके जो है आप वहाँ से जो है सारी चीज़ें ले सकते हैं. बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताई थी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. और आज की वीडियो में मैं आपको जो है 23 शबे कदर और 21 और 23 ये दो जो हैं रातों के बारे में, इबादत के बारे में बताऊंगी डिटेल से. और 25 और 27 और 29 नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मिलेगी. सर सबसे पहले अशरे की दुआ से स्टार्ट करते हैं. अशरे की दुआ और जो निजात की दुआ है उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी और आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है ताकि आपको पढ़ने में जो है वो आसानी हो. चलें स्टार्ट करते हैं. ये है तीसरे अशरे की दुआ, ठीक है. ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है अन्ना और अन्नी ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि मर्द हजरात जो हैं वो अन्ना पढ़ के जो है अपनी ये आयत कंप्लीट करेंगे और जो है हवातीन जो है वो अन्नी पढ़ कर जो है वो ये आयत को कंप्लीट करेंगे, ठीक है. उसके अलावा जो है ये आप जो ऊपर देख रहे हैं निजात की दुआ, अल्लाहुम्मा अजरना जो है वो मर्द हजरात पढ़कर जो है इस तरीके से कि अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार जो है पढ़ेंगे मर्द हजरात और जो है हवातीन पढ़ेंगी अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, इस तरीके से पढ़ कर जो है आयत जो है वो कम्प्लीट करेंगी. ये आपने जो है कसरत के साथ पढ़े, अल्लाह ताला जो है हम सब की मगफिरत अता फरमाए. और तीसरे अशरे की दुआ जो है वो आपने जो है कसरत के साथ पढ़नी है. सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. सो ये है तीसरे अशरे की दुआ और ऊपर आप देख रहे हैं निजात की दुआ है मेरे जो है थंब के पास. सो आई होप कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और अब चलते हैं अपनी 21वीं शबे कदर को और 23वीं शबे कदर को कौन कौन सी जिक्र इलाही और नवाफिल पढ़ने हैं उसकी तरफ. सो 21वीं शबे कदर को जो है आपने चार रकत नफल पढ़ने हैं, यानी कि इशा की नमाज के बाद भी आप जो है इबादत जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है 12 बजे के बाद जो है अपनी इबादत स्टार्ट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि आपको कब टाइम और कब जो है आप कंफर्टेबल तरीके से जो है कितने टाइम में आप पढ़ सकते हैं, सो उस तरीके से पढ़नी है. और सलातुल तस्बीह जो है वो आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टाइम आपको ना मिले और आप चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा तो आप पढ़ सकते हैं. आप जो है फजर की नमाज के बाद से जो है वो टाइम स्टार्ट होता है, आप पढ़ सकते हैं 10:30 बजे तक जो है आप पढ़ सकते हैं. 10:30 के बाद जो है वो ज़वाल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले पहले जो है आप अपनी सलातुल तस्बीह जो है वो पढ़ सकते हैं. अगर आपको टाइम नहीं मिला यानी कि सहरी से पहले जो है आपके पास टाइम नहीं मिला लेकिन आपने सलातुल तस्बीह पढ़ने का बेहद सवाब है तो आप इस तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन 10:30 बजे से पहले जो है आप पढ़कर फिनिश कर लें अपनी सलातुल तस्बीह, उसके बाद जो है वो नहीं पढ़ना क्योंकि हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त और सारी चीज़ें होती हैं. सो उसको आपने मैनेज करके जो है वो पढ़ना है.
सलात और तस्बीह मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है, सो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है 21वें शबे कदर को आपने जो है 4 रकत नफल पढ़ने हैं, 2 सलाम की नियत से। मींस के आपने सबसे पहले 2 रकत नफल की नियत की, नियत करने के बाद जो है आपने सबसे पहले सना पढ़ी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि आपने सूरत फातिहा पढ़ी 1 मरतबा, उसके बाद जो है सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी आपने 1 टाइम, उसके बाद जो है सूरत इखलास यानी कि कुलहुल्लाह शरीफ जो है 1 मरतबा पढ़ी, फिर उसके बाद रुकू कयाम सजूद किया आपने, उसके बाद जो है हाथ बांधे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद जो है सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद जो है आपने सूरह इखलास यानी कि कुलहुल्लाह शरीफ जो है 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद रुकू कयाम सजूद करने के बाद जो है आपने अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद जो है फिर आपने 2 रकत की नियत करनी है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 रकत नफल पढ़ने, सेम इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है आपने सारी चीज़ों को पढ़ते हुए इस तरीके से 2 रकत नफल फिर पढ़ लेने हैं आपने। इस तरीके से आपके 4 रकत नफल कंप्लीट हो जाएंगे 2 सलाम की नियत से, ये आपको समझ लग गया। उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद जो है आपके 4 रकत नफल जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो है आपने 70 मरतबा 70 टाइम्स जो है दुरूदे कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं दुरूदे इब्राहिमी ही पढ़ें आप, कोई भी आपको दुरूद शरीफ आता है वो आपने 70 मरतबा 70 टाइम्स पढ़ना है। इंशाल्लाह इस नमाज़ पढ़ने वाले के जो है हक़ में फरिश्ते जो हैं वो दुआ मगफ़रत करेंगे, सुभान अल्लाह। इसके अलावा जो है 21वें शबे कदर को आपने 2 रकत नफल और पढ़ने हैं मज़ीद, वो किस तरीके से पढ़ने हैं कि 2 रकत की नियत की आपने, आपने फिर सबसे पहले सना पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत कदर जो है वो 1 मरतबा पढ़ी, और उसके बाद जो है आपने सूरह इखलास यानी कि कुलहुल्लाह शरीफ 3 टाइम्स 3 मरतबा पढ़ी, उसके बाद रुकू कयाम सुजूद किए, फिर आपने जो है हाथ बांधे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, फिर आपने सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद जो है कुलहुल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास 3 टाइम्स 3 मरतबा पढ़ी, फिर रुकू कयाम सुजूद करने के बाद अत्तहियात पढ़ के जो है आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद जो है आपने 70 मरतबा 70 टाइम्स जो है अस्तगफार का जो है जिक्र करना है, अस्तगफार अस्तगफार इस तरीके से जो है आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है इस नमाज पढ़ने वाले की जो है शबे कदर की बरकत से जो है अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमाएंगे। सो इसकी जो है फजीलत और सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। और 21 रमज़ानमबारक को जो है माह रमज़ानमबारक की 21वें शब को जो है 21 मरतबा नहीं तो आप जितनी मरतबा जो है आपको टाइम मिले कसरत से जो है आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो 21 मरतबा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं सूरत कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र जो है वो आपने पढ़नी है, इसका बेहद सवाब है और ये पढ़ना बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसके पढ़ने से जो है बहुत ज़्यादा फजीलत और अफजल है। इसके अलावा जो है अब 21वें शब की जो है सारी डिटेल्स बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम मिले मज़ीद तो आपने अशरे की दुआ नजात की दुआ कसरत से पढ़नी है, और ये आखिरी अशरा है, और इस तरीके से जो है रमज़ान मुबारक जो है वो इंशाल्लाह अपने इख्तिताम को जो है वो पहुँचेगा। और मैं आपको अब बताऊंगी 23वीं शब कदर को जो है आपने कौन कौन से जिक्र इलाही करने हैं, और 25वीं 27वीं 29वीं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो 23वीं शब कदर को जो है माह रमज़ान मुबारक की 23वीं शब कदर को आपने 4 रकत की जो है वो नियत करनी है, 2 सलाम की नियत से आपने पढ़नी है। मींस के आपने सबसे पहले 2 रकत की नियत की, नियत करने के बाद हाथ बांधे आपने, सबसे पहले आपने सना पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत कदर जो है आपने 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुलहुल्लाह शरीफ जो है 3 टाइम्स 3 मरतबा पढ़ी, रुकू कयाम सजूद किया हाथ बांधे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी सूरह फातिहा यानी कि, उसके बाद आपने कुलहुल्लाह शरीफ सूरत कदर आपने 1 मरतबा पढ़ी, फिर उसके बाद जो है आपने सूरह इखलास यानी कि कुलहुल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ी, रुकू कयाम सजूद किए, अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद जो है 2 रकत नफल फिर इसी तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने 2 रकत नफल और पढ़ लिए, और इस तरीके से आपके 4 रकत नफल जो है वो कंप्लीट हो गए। फिर आपने क्या करना है, सलाम फेरने के बाद आपने 70 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आपने 70 मरतबा 70 टाइम्स जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह इस के पढ़ने वाले की जो है मगफिरत होगी और ये नमाज़ जो है बहुत ज़्यादा अफजल है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 27वें शब को जो है सूरह यासिन 1 मरतबा पढ़नी है आपने, और सूरह रहमान जो है 1 मरतबा पढ़नी है, इसके पढ़ने वाले की जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ये बहुत ज़्यादा अफजल है और इसका पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। सो
मैंने आपको बता दिया 23वें शब को आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जिक्र इलाही और नवाफिल बता दिए मैंने आपको। इसके अलावा जो है 25वीं 27वीं और 29 शब कदर को जो है वो नेक्स्ट स्टूडियो में आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊँगी इंशाल्लाह। और सलातुल तस्बीह और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ और टाइमिंग भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कंप्लीट गाइड और हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, एंड मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर सांस होने की वफा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में आपके गाइड के साथ और यमिस्ट वीडियोज़ के साथ। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्ला, क्लिक कार्ड्स एंड विजिट माई चैनल। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।